4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स उसके इक्वल टू 1 माइनस एक्स का क्यूब आपको प्रूफ करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन दिस इक्वल टू हमें प्रूव करनी है वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये प्रूव करनी। तो हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, उसमें हमें करेंगे आर वन इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वन एक्स 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 स्क्वायर वन। इसमें हम वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और यहां पे कितना हो जाएगा वन 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 एक्स स्क्वायर वन एक्स 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 स्क्वायर वन, यहां पे इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे यहां सी टू इक्वल टू सी टू इक्वल टू हम किसी दो को जीरो बना सकते हैं, लेकिन सी टू इक्वल टू सी टू माइनस सी वन कर लेंगे जीरो हो जाएगा। और सी थ्री इक्वल टू सी थ्री इक्वल टू सी थ्री माइनस सी वन कर लेंगे, ऐसे हमारे प्रूव करेगा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हम ऐसे करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा उसका लॉजिक समझिए। यहाँ पे हमें लाना है वन माइनस एक्स क्यूब, इसका फॉर्मूला होगा वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हम इस तरह लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस तरह लाने के लिए आपको कैसे बेटर होगा वो मैं आपको समझ रहा हूँ, वो उस तरीके से कर रहे हैं। माइनस में एक्स को लाना चाह रहे हैं, माइनस में एक्स को। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया वन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स है, यहाँ वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम प्रोसीड करते हैं तो क्या लिखेंगे, और यहाँ पे आई गया है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम थोड़ा प्रोसीड करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पे वन, यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स, यहां पे जीरो, यहां हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, यहां पे हम क्या लिखा जा सकता है माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन लेंगे यदि तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स यदि कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जीरो है तो एक्स कॉमन लेंगे तो वन माइनस एक्स हो जाएगा, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ तो हम 1 माइनस एक्स यहां से कॉमन ले सकते हैं, इस कलम से 1 माइनस एक्स हम यहां से कलम ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पे कितना आएगा, 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे हमने
तो यहाँ लिख दिया वन माइनस एक्स, फिर वन माइनस एक्स थर्ड कॉलम से लिया ये, अब हमारे पास हो जाएगा वन एक्स स्क्वायर एक्स, वन एक्स स्क्वायर एक्स, दूसरा वन प्लस एक्स माइनस एक्स, जीरो वन प्लस एक्स माइनस एक्स, जीरो एक्स वन प्लस एक्स, जीरो एक्स वन प्लस एक्स। अब आप देखिए, हम इस दो को यूज करके, इसको और इसको यूज करके हम वन माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं। फॉर्मूला मैंने लिखा था, यहां वन माइनस एक्स है, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो में करेंगे, यहां पे एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो हम करते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, वन वन प्लस एक्स माइनस एक्स, यहां पे एक्स वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन प्लस एक्स। वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन प्लस एक्स, ठीक है। यहां हमारे पास था वन, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे वन माइनस एक्स होगा सर, ये एक्स था, सी वन माइनस किया गया था तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे था, यहाँ पे आपको वन माइनस सिर्फ एक्स था, यहाँ पे सिर्फ वन हो जाएगा, ए वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। अब आप देखिए, यहां पे वन माइनस एक्स क्यूब, वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स क्यूब, यहां पे वन माइनस एक्स क्यूब, वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, प्रूव, ठीक है। चलते हैं हम आगे, अब क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 12 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, ये प्रूव करनी हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको याद रखने वाला बात है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने वाली बात है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हमें देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे टू बी है, यहाँ पे टू ए बी है, यहाँ टू ए बी, तो इसके साथ करने का मतलब क्या है, यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करके अगर इसके साथ हम ऐड करते हैं तो ए प्लस बी प्लस होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर b के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं तो, ठीक है, तो ये काम हम करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास ये 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, डेल्टा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab माइनस टू बी, ठीक है, फिर 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू, वी हैव टू प्रूव
वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, ये हमें प्रूव करनी है। तो हमें वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए अगर मान लीजिए इसको b से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अब b से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड किया जाए, तो b से मल्टीप्लाई करके अगर उसको ऐड किया जाएगा तो हमारे लिए ये आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस टू बी है तो उसको ऐड करके तो b यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, हम देखते हैं क्या होता है। बी कॉमन लेंगे वहां पे, अब देखिएगा क्या होगा। यहां पे हम लिखेंगे सी आर वन इक्वल टू आर वन प्लस बी आर थ्री, एक तो ये काम कर लेते हैं बी आर थ्री। और R2 के केस में क्या होगा, R2 इक्वल टू R2 माइनस ए आर थ्री को माइनस कर दीजिए। और मैंने A क्यों किया उसका लॉजिक देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2B है A नहीं है, अगर A से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, फिर A से मल्टीप्लाई करके इसके साथ हम माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सुनिए इसको पहले हम ऑपरेट करते हैं, यहां पे देखिए वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, प्लस यहां पे किया गया है बी से मल्टीप्लाई करके टू बी स्क्वायर, यहां पे टू ए बी है प्लस किया गया है लेकिन यहां पे माइनस है इसीलिए माइनस होगा टू ए बी, माइनस टू बी है प्लस किया गया है बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू, क्योंकि बी से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड किया गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए टू ए बी है, यहां ए से मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है माइनस टू ए बी, वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस टू ए स्क्वायर, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड किया जा रहा है, टू ए माइनस ए ए क्यू माइनस ए बी क्यू ए बी क्यू। और यहां पे आपको जैसा है वैसा है, टू बी टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका रह गया। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, माइनस बी टू बी प्लस यहाँ पे इतना है तो यहां माइनस हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, तो बी अगर कॉमन लेंगे यहां पे माइनस बी तो वन हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे ये जीरो हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर माइनस में है तो कितना हो जाएगा यहां पे वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टू मल्टीप्लाई किया गया है टू ए माइनस ए हो जाएगा और एक कॉमन ले लेंगे यदि तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, टू बी माइनस टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, यहां से वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो दोनों फर्स्ट रो से भी कॉमन ले लिया गया और सेकंड रो से भी कॉमन आया, तो यहां पे वन
माइनस बी, वन जीरो माइनस बी, दूसरा में क्या होगा यहां पे जीरो वन ए, जीरो वन ए, टू बी माइनस टू ए, टू बी माइनस टू ए, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास वन जीरो माइनस बी, जीरो वन ए, टू बी माइनस टू ए, वन माइनस बी स्क्वायर। अब ये स्टार्ट करते हैं इसको। अब इसको हम एक्सपांडिंग अलोन फर्स्ट रो कर सकते हैं, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो, अगर फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपांड करते हैं तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन वन माइनस टू ए, ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी जीरो, टू बी वन माइनस टू ए, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो प्लस टू बी स्क्वायर। अब देखिए आप, यहां पे माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या लिखा जा सकता है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये आपको प्रूव हो गया, ये प्रूव, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन किया, 13 किया, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी टाइप की क्वेश्चंस है, वन प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी ऐसे दी हुई है, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें प्रूव करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में ये तीनों क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस वन, दिस इक्वल टू वी हैव टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए आप यहां पे हम यहां सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे ए माइनस कर देंगे, यहां पे बी, यहां पे सी, तो लिखेंगे आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, टेकिंग कॉमन ए बी and C from R1, R2 and R3, तो A, B, C हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास A divided by 1 upon A, B और यहां हो जाएगा C, यहां पे A हो जाएगा, B
प्लस वन अपॉन बी, यहाँ पे सी हो जाएगा ए बी सी प्लस वन अपॉन सी हो जाएगा। देखिए ऐसे हमने कॉमन लिया तो आपका ये आउटकम। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आर टू से आर वन को माइनस कर देंगे, R2 से R1 को माइनस कर देंगे, R3 से R1 को माइनस कर देंगे। ये माइनस करने से होगा क्या कि ये वाला खत्म हो जाएगा, 1 अपॉन ए आ जाएगा और यहां पे भी 1 अपॉन ए आ जाएगा नेगेटिव। तो R1 इक्वल R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, R3 इक्वल टू R3 माइनस R1, R1 R1 माइनस किया मैंने। अब देखिए यहां पे A 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन A हो जाएगा, B अब R2 से उसको माइनस किया गया तो B 1 अपॉन B हो जाएगा और B से इसको माइनस किया गया तो ये जीरो हो जाएगा। यहां पे C ये जीरो हो जाएगा, अब दिस माइनस दिस वन अपॉन C हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, अब यहां पे क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास इसको a से मल्टीप्लाई कर दो, इसको c1 को a से मल्टीप्लाई कर दो, इसको b से मल्टीप्लाई कर दो, इसको b से मल्टीप्लाई कर दो, इसको c से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है यार। C1 इक्वल टू ए सी वन, सी टू बी सी टू, सी थ्री इक्वल टू सी सी थ्री। अब यहां पे वन अपॉन ए बी सी, यहां पे भी ए बी सी था, मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या होता है, कहां से आएगी मल्टीप्लाई किया तो नीचे ऊपर मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई किया। तो अब चलो पहले ए बी सी कर दिया, यहां पे वन ए डिवाइड बाई वन अपन ए माइनस वन अपन ए माइनस वन अपन ए बी वन अपन बी जीरो सी जीरो वन अपन सी। अब देखिए मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए एबीसी से मल्टीप्लाई किया, एबीसी से डिवाइड किया। अब फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहां पे वन अपन एबीसी तो आएगा ही, यहां पे ए से मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, फिर यहां पे माइनस वन होगा, यहां पे माइनस वन, यहां b से मल्टीप्लाई करने बाद ये b स्क्वायर हो जाएगा, यहां क्योंकि 1 अपॉन b था तो इसलिए b हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा। यहां पे c स्क्वायर 0 1 हो जाएगा। अब एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड रो, मैंने कहा एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड रो, ए स्क्वायर सॉरी, यहां पे एबीसी मेरे पास ऑलरेडी था, एबीसी तो एबीसी सॉरी ये वाला एबीसी हमारे पास ऑलरेडी था तो इसी एबीसी को मैंने अप्लाई किया, यहां पे हमारे पास नहीं,
ये था तो मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, प्रीसीडिंग में नहीं लिखा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नहीं रहेगा क्योंकि वहां पे था वही मल्टीप्लाई किया। एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड रो तो माइनस वन, इसको और इसको छोड़ेंगे तो बी स्क्वायर वन सी स्क्वायर वन माइनस जीरो प्लस वन ए स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बी स्क्वायर वन माइनस वन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जीरो ए स्क्वायर प्लस वन प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये टर्म यहां पे और ये वाला तो बी स्क्वायर दिस दैट इक्वल टू यहां पे जीरो होगा। तो जब ये जीरो होगा तो ये जीरो होगा। अब ये वाला जीरो है प्लस ए स्क्वायर प्लस वन माइनस 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 प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन प्लस बी स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं यहां पे क्या है। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 एंड के इज इक्वल टू दिस। अब देखिए इसको क्या होगा उपरूप करनी है। मान लिया जाए ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री। अब यहां पे के का उन्होंने कहा कि के ए तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर के से मल्टीप्लाई कर लिया तो ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। यहां पे के ए वन के ए टू के ए थ्री दिस इक्वल टू डेल है के बी वन के बी टू के बी थ्री के सी वन के सी टू के सी थ्री। अगर मुझे डिटरमिनेंट बनानी है के ए तो यहां पे डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा के ए वन के ए टू के ए थ्री के बी वन के बी टू के बी थ्री के सी वन के सी टू के सी थ्री। अब हमें यहां पे के हर एक रो से कॉलम ले सकते हैं, हर एक कॉलम से रो से कॉलम लिया तो के इंटू के इंटू के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। अल्टीमेट क्या हो जाएगा के क्यू इक्वल टू ये डेल हो जाएगा तो के क्यू एक डिटरमिनेंट हो जाएगा।
तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ये सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी पार्ट इज द आंसर, सी पार्ट उसका आंसर हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू द मैट्रिक्स, नंबर एसोसिएटेड टू द मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट इज अ एक्स नंबर ऑफ नंबर एसोसिएटेड टू द स्क्वायर मैट्रिक्स, एग्जैक्टली स्क्वायर मैट्रिक्स का जो नंबर है उसको लेकर हम डिटरमिनेंट बना लेते हैं और दोनों साइड में हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो वह जो है जो आपका डिटरमिनेंट, व्हाट इज द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू द स्क्वायर मैट्रिक्स, जो नंबर है एसोसिएटेड उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो इसमें पार्ट जो हो जाएगा डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, डी पार्ट, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया डिटरमिनेंट का, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का। नेक्स्ट क्लासेस में हम ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल स्टार्ट करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत कम टाइम में कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू क्लास।